अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, सुबह का टाइम है और सब परिंदों के लिए खाना आ चुका है और अभी डालेगा सबको। लेकिन जैसा मैं पिंजरे में आ गया, मुझे एक बार फिर नुकसान मिल गया। ये देख सकते हैं माशाल्लाह, अभी माशाल्लाह क्या बोलेगा। ये देखे कितना खूबसूरत चूजा था, ये बेचारा भी मर गया। और ये बिल्कुल ठीक ठाक था, कुछ बीमारी नहीं था इनको, लेकिन ये मर गया क्योंकि ये दूसरा मेरा पास है। ये देखे इनका तकरीबन 4-5 दिन हो गया, इनका अन के ठीक नहीं हो रहे, क्योंकि इनके लिए मैंने मेडिसिन भी ले गया और इनका अन को मैं मेडिसिन में डालते। ये देखिए दूसरा अन भी ख़राब हो गया, ये भी बंद हो गया। तकरीबन 4-5 दिन हो गया इनका, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहे। और ये बेचारा बिल्कुल ठीक ठाक था, तुम हट जाओ यहाँ से जी। ये देखिए ये बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन पता नहीं अचानक से इनके ऊपर क्या हो गया, अचानक से मर गया। कि कल रात को मैंने, जब भी रात गुजर जाते सुबह आते इनके लिए खाना लेके आते हैं, तो मैं जैसा पिंजरे में आते हैं तो लाजिम कुछ ना कुछ मुझे नुकसान मिल जाता है, क्योंकि मेरा शक तो तुर्की के ऊपर आता है। और इनका पाँव भी इतने बड़े बड़े पाँव है, और ये देखे इनको बिल्कुल दबाया, ऊपर से बिल्कुल दबाया। ये देखे परसों ये बिल्कुल ठीक ठाक था, और मैं अभी जैसा आया सबके लिए खाना देने के लिए, तो ये बिल्कुल पता नहीं यार, ये मरा हुआ पड़ा था, इधर ही ऊपर पड़ा था। आप क्या दिखते हैं ऊपर, क्या हो गया आपको, क्या है ऊपर? अरे ये बेचारे का पर भी नहीं आते, पता नहीं क्यों यार। आ जाओ, कितना तेज है यार। ये देखे ये बेचारे का पर नहीं आते, क्या हो गया सर, ऊपर ऊपर करते हैं। और जो भी परिंदा मरता है तो रात को मरता है, क्योंकि दिन को बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं। और ये पता नहीं यार क्या चीज़ अंदर आता है, क्योंकि पिंजरा भी सारा बंद है, बिल्ली भी अंदर नहीं आ सकते। और यह आज फेर लगाएगा पिंजरे, चूहे वाला पिंजरे यहाँ पर है, लेकिन यह आज सारा जगह में पिंजरे लगाएगा, क्या पता। ये देखे एक सुराख भी है उधर ही, लकड़ी कैसे कट किया यार, फिर कैसे गोल गोल कट किया, क्योंकि कुछ तो लाजिम है पिंजरे में। मुझे जब भी नुकसान मिलता है, जब भी चीज़ मर जाता है, रात को मरता है, दिन को ये बिल्कुल देखो ठीक ठाक है, सब ठीक है, कुछ भी नहीं है। ये देखे सब परिंदे चूजे सब ठीक ठाक है, लेकिन जो होता है रात को होते हैं। आज देखेगा आज फिर से मैं, आप चुप हो जाओ, आपको क्या हो गया। अब आज रात को मैं फिर से ये 3 पिंजरे लगाएगा चूहों के लिए, देखते हैं पता नहीं यहाँ पर चूहे आते हैं क्या चीज़ है, क्योंकि हर रात मुझे नुकसान देते हैं, सिर्फ रात को होते हैं। आज रात को पता चलेगा, पता नहीं क्या चीज़ है यार। चलो खैर, अभी यार कुछ नहीं कर सकते, अभी ये सबको दाना डालेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जंगली डब ये भी आ गया खाने के लिए, माशाल्लाह डब ने दूसरा अंडा भी दे दिया। ये देखे और इनका हरकत चेक करें, अंदर चला गया। और मेरा शक तो इनके ऊपर है, ये
क्योंकि मेरा चूज़ा शायद इसने मरवाया। ये देखे इनका हरकत, अब ये देखे काटने का कोशिश करते। निकल आओ, नीचे आओ। क्या इनका डर भी नहीं है यार। अब ये देखे कैसे काटने का कोशिश करते यार इनको। जो भी मेरा साथ छोटे छोटे चीज़ें मर जाते क्योंकि मेरा इनके ऊपर शक है, क्योंकि अभी देखे ऊपर चढ़ गया और इनको मारने का कोशिश किया। अभी क्या कर सकते क्योंकि दूसरा साइड में इनको नहीं लेके जा सकते, उस तरफ गर्मी बहुत है। माशाल्लाह डब्बी अंडों के ऊपर बैठा हुआ है और इंशाल्लाह 15-16 दिनों के बाद इनका भी बच्चे आ जाएगा और अभी इनका भी फैमिली बढ़ जाएगा। अभी दो इंशाल्लाह चार हो जाएगा, अगर दोनों अंडों से बच्चे आएगा तो चार हो जाएगा। ये देखे इनका काम चेक करें कैसे उनको मारते हैं। अभी इनके लिए अलग से डालना पड़ेगा क्योंकि ये उस तरफ नहीं जाते। अरे यार अभी इनको मेडिसिन डालेगा। सबर 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 निकल जाओ। जाओ सही हो जाएगा इंशाल्लाह। परिंदों के लिए बूटा भी आ गया। अभी ये भी काटे, हर चीज काटे। ये देखे कितना बड़ा बूटा, कितना बड़ा है। ये भी हर चीज काटे। ये देखे सारा बूटा खलास कर दिया। बस छोड़ो, अभी परिंदों को भी थोड़ा सा डालना है क्योंकि परिंदे भी बहुत शौक से खाते हैं। ये देखे सब इंतज़ार में खाने के लिए। और ये पार्टनर देखे, अभी ये भी माशाल्लाह, अभी इनका भी ऐसा ऐसा हाथ में आना शुरू हो गया क्योंकि ये भी पहले डरता था। ये अंदर जाने का कोशिश करते हैं क्या। ले लो खाओ, ले लो। क्यों डरते हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी मेरा हाथ में आएगा इंशाल्लाह। देखे देखा माशाल्लाह आ गया। इतु? भाई डब के पास नहीं जाओ, अगर उनके पास जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा यार। ये डब भी आने नहीं देगा। ये देखे डब मारने के लिए तैयार हो गया। ये देखे ये देखे, जाओ खाओ। इनको खाने का मौका नहीं मिलते, खाओ। ये फिर पहुंच गया यहाँ। ये किसी, ये वाला मुर्गा किसी से भी नहीं डरते, किसी से भी नहीं डरते। ये सब के ऊपर जोरावर है। ये देख कितना छोटा है। तो चलो खैर, अभी इनको जल्दी से दफन करेगा और इनको भी अलग करेगा।
बाकी चूजों से, क्योंकि पहले एक आंख था, अभी दूसरा आंख भी बंद हो गया। ये देखे मेडिसिन तो मैंने डाला, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये अभी इसी तरह कुछ का पी नहीं सकते, इनके लिए यहाँ भी मैंने दाना डाला। तो चलो जी, यहाँ से मैं वीडियो भी ख़त्म करेगा, लेकिन वीडियो ख़त्म होने से पहले सब भाइयों को रिक्वेस्ट है, अगर मेरा चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहेंगे। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अब इनको भी खुद पिलाना पड़ेगा। ग्रीन तोता देखे कहाँ पर है, वो भी खाने के लिए नीचे आ गया। अरे यार,